एकदम जताते हुए बोला, अरे क्यों नहीं, आपको बिल्कुल सोचना चाहिए कि आप बेस्ट कैप्टन और बेस्ट फादर हो। ऐसा क्यों था? अगर आपने मास्ट ऐसे था पहले, अब ये मास्ट जो था, मास्ट देखो सीधा सीधा होता है, वो हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि जो शिप है वो पूरा का पूरा पानी के पैरेलल होने वाला था, यानी कि पूरा पूरा डूबने वाला था, लेकिन अभी मास्ट पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा एंगल पर है। बर्बादी हो गई, मतलब और ज्यादा बदतर हो गया, अच्छा नहीं हुआ, बदतर हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं क्लास को करूंगा शुरू, कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी है क्या, जिसमें तुमने देखा होगा किस तरीके से एक बढ़िया एडवेंचरस एक वोयाज होता है। अब मुझे हीरो का नाम तो नहीं आता रहा, लेकिन अगर तुमने वो मूवी देखी है तो अच्छी बात है, और नहीं देखी तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज तुम उस एडवेंचर को जीने वाले हो इस चैप्टर के माध्यम से, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। फिलहाल हम सभी इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और उससे पहले मैं बता दूं कि मैं आपका प्यार आदित्य भैया आप सभी के लिए सेशंस लेकर के आता हूं क्लास 12th के सीयूईटी के, साथ ही साथ अपडेट्स जब आती है मैं उनसे उनको भी आपके सामने लेकर के आता हूं। तो अगर आपने अभी तक क्लास 12 के साथ क्लास 11 तक भी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाल वाली डब्बी पर जाकर टक से करें, और उसके बगल घंटी बजी उसको भी बजा दे टन, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो आप देखो, अगर मैं बात करता हूं चैप्टर की शुरुआत से, तो भैया वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, आप देखो यहां पर लगे हुए हैं दो इन्वर्टेड कॉमास, और आप इस बात से समझ सकते हो कि अगर इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसका मतलब ये किसी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ये स्टेटमेंट आपको आएगा, तो आपको पता चलेगा कि किसने बोला है। इसका मतलब तो साफ से समझ में आ रहा है ना, कि हम लोग मरने से नहीं डरते अगर हम सभी के सभी साथ हों, और ये लिखा किसने है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। ये तो चैप्टर का नाम हो गया, चैप्टर पूरा का पूरा किसके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये इन दोनों का दिया हुआ नहीं, ये स्टेटमेंट किसी और ने बोला है, और ये आप जानोगे चैप्टर के अंदर। फिलहाल इस चैप्टर में आप क्या कुछ देखने वाले हो, ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये एक बिजनेसमैन के ऊपर है, यानी कि उस बंदे को, एक बिजनेसमैन है जिसका आपको नाम नहीं जानने को मिलेगा। मैं यहां पर अगर चाहूं तो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं, इस चैप्टर का थोड़ा सा खाका खींचने की कोशिश करता हूं, है ना। तो यहां पर एक बंदा है, लगभग 37 साल का बंदा है, 37 ईयर्स ओल्ड मैन है, और ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना। अब इसकी क्या मर्जी थी, इसको क्या चुल्ल पड़ी थी, इसको भैया करना था वोयाज। वोयाज का मतलब क्या होता है, वोयाज का मतलब होता है सी जर्नी। वोयाज कहाँ का करना था भैया, पूरे के पूरे वर्ल्ड को इसको करना था, और क्यों करना था वोयाज, करना था क्यों, यानी कि पूरी सी जर्नी क्यों करनी, दुनिया का चक्कर क्यों लगाना था, क्योंकि अभी से 200 साल पहले, 200 ईयर्स एगो किसको भैया ये काम करने की चुल मची थी, ये काम करने की चुल मची थी एक व्यक्ति को, जिनका नाम था क्या, कुक, है ना, कैप्टन जेम्स कुक। तो भाई कैप्टन जेम्स कुक ने जो काम किया था 200 साल पहले, वही ये 200 साल बाद करने वाले थे। और किसके किसके साथ, ये ले जाने वाले हैं अपनी मैरी, मैरी यानी अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को ले जाने वाले हैं जिसका नाम है जोनाथन, जिसका नाम है जॉन बोल देता हूं केवल, और एक इनकी लड़की भी है जिसका नाम है सुजैन, ठीक है। आपसे एज पूछी जाती है एमसीक्यूज क्वेश्चंस में, भैया जॉन की एज कितनी थी, जॉन की एज थी 6 साल, सुजैन की एज थी 7 साल, और दो लोग और भी आएंगे जो इंपॉर्टेंट है। बाकी कुल मिलाकर के इसमें 6 ही कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना रहेगा, और पूरा का पूरा एक एडवेंचरस राइड चलेगी यार। अगर आपको मैं थोड़ा सा एक और चीज समझाऊं शुरुआत में ही, अगर आपने देखा है वर्ल्ड मैप, अब देखो हंसना नहीं, और चाहो तो हंस भी लेना, मुझे कौन सा दिखाई देगा। वर्ल्ड मैप की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्या, नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया तुम्हारा साउथ अमेरिका, ठीक है। इधर तुम देखोगे ये पूरा एरिया ऐसे करके, ये हो गया तुम्हारा इधर का यूरोप, और ये वाला एशिया। अब इधर आ जाओगे तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा अफ्रीका, और यहाँ पर आता है ऐसे करके अजीब सा बना हुआ ऑस्ट्रेलिया, जो फिलहाल जीत चुका है ना वर्ल्ड कप अपने इंडिया से फाइनल में जा करके। अभी आप देखोगे ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, तो इससे मतलब नहीं है। अब ये लोग जो है निकलेंगे कहां से, इन लोगों का शिप निकलेगा यहां पर प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। कहां से निकलेगा, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, बहुत ध्यान से समझना, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से निकलेगा इनका। फिर उसके बाद होते हुए यहां का रास्ता पूरा करते हुए यहां पर आएंगे लोग अफ्रीका के सबसे नीचे एक जगह है जिसको हम बोलते हैं केप टाउन। इस जगह का क्या नाम भैया, केप टाउन। केप टाउन से इनको कहां जाना है, केप टाउन से इनको जाना है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब जब भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे तो इनको मिलेगा यहां पर, ये मिलेगा तुमको इंडिया, और इंडिया के नीचे वाला जो सागर है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिया के नीचे जो सागर है उसको हम बोलते हैं सदर्न इंडियन ओशन। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सदर्न इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन। और तुम्हें पता नहीं है तो ये बात जान लो कि इस दुनिया में सदर्न इंडियन ओशन बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी रहती है यहां पर, और इस रास्ते से होकर के ना ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना, यानी कि मेरे भाई यहां से लेकर के यहां तक की जो इनका सफर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, ठीक है। यहां से यहां तक का सफर बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चलो मैंने तुमको बेसिक आइडिया दे दिया कि आखिरकार आपको मजा कैसे आने वाले इस चैप्टर को पढ़ते समय, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं भैया चैप्टर पर। तो बस हमने तुमको बता दिया एडवेंचर है, पूरा मजा लेंगे तुम भी लोगे, मजा हम भी लेंगे। करते हैं शुरुआत चैप्टर की। सबसे पहले आप जान लो भैया, अगर कहीं पर जाओगे तो आपके पास एक शिप तो होगा ना, तो शिप का नाम क्या है, उस शिप का नाम है वेव वॉकर, जिसमें आप और हम बैठ के जाने वाले हैं प्लाईमाउथ से ऑस्ट्रेलिया। कहां जाने वाले, प्लाईमाउथ से जाने वाले हम लोग
ऑस्ट्रेलिया, कहां जाने वाले, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन रास्ता कुछ ऐसा नहीं होने वाला, रास्ता कुछ ऐसा होने वाला, रास्ता कैसा होगा अपने दिमाग में बना लो, पहले आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, ये होगा आपका एक्चुअल रास्ता, ये है आपका वे वॉकर जिसमें हम सभी के सभी बैठ करके जाने वाले हैं, जिसमें ये लोग भी बैठ करके गए थे, कौन लोग, किसकी बात मैं कर रहा हूं, ये है वो चारों लोग और बिल्कुल रियल फोटो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है, ये है आपके बिजनेसमैन, इनका नाम पूरे चैप्टर में कहीं नहीं दिया और जब चैप्टर नहीं था तो मैं कहां से बता दूंगा। उसके बाद ये है आपकी मैरी जी, मैरी यानी कि इनकी वाइफ है, ये 37 साल के, इनकी ये लड़की है सुजैन और ये लड़का है इनका प्यारा सा जोनाथन, और देखो यहां पर लिखा भी है वेव वॉकर, बिल्कुल एक्चुअल फोटो है, उस समय देखो तुम जानते हो कि अपने पास वो जो कलर्ड कैमरा थे वो नहीं थे। चलो शुरुआत करते हैं, चैप्टर यहां से शुरू होता है कि इन द जुलाई 1976 में My wife Mary, अब ये माई कौन है, बोल कौन रहा है, बोलने वाले इस चैप्टर के नरेटर कौन है, इस चैप्टर का नरेटर यही है, नरेटर कौन है इस चैप्टर के, इस चैप्टर के नरेटर ये खुद है, ठीक है ना, इस चैप्टर का नरेटर कौन है, ये खुद है इस चैप्टर के नरेटर, बोल रहे इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, मेरी धर्म पत्नी मैरी, मेरा लड़का जोनाथन जो कि 6 साल का है और मेरी बिटिया सुजैन जो कि 7 साल की है और मैं यानी कि एक बिजनेसमैन ने सेल शुरू की, यानी कि मैंने एक यात्रा शुरू की थी, कहां से, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, कहां के लिए, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 ईयर्स अर्लियर कैप्टन जेम्स कुक, जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, जो एक पूरा रास्ता नाप दिया था, पूरी दुनिया को एक सिरे में पिरो दिया था, पूरी दुनिया के चक्कर लगा करके आ गए थे, वही मैं करने वाला हूं उनके करने के 200 साल बाद, और मैं किसको किसको ले जाऊंगा इस सफर पर, मैं खुद जाऊंगा, अपनी पत्नी मैरी को ले जाऊंगा, अपने बच्चे जॉन को ले जाऊंगा और अपनी बिटिया सुजैन को ले जाऊंगा। यहां तक सभी को क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार वो क्यों गए थे, अभी देखना क्वेश्चन भी कराऊंगा क्योंकि आपको पता है एक वन शॉट होने वाला है, तो इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा, आखिरकार इन्होंने क्यों चुना कि दुनिया का एक चक्कर लगाएंगे पानी के रास्ते से, बिकॉज 200 साल पहले जेम्स कुक ने इसी काम को किया था और अब इन्हें वही सेम काम करना था, ताकि पता नहीं इनको फेम चाहिए होगा, फेमस होना चाहते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा। आगे देखते हैं, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई अ 37-year-old बिजनेसमैन, काफी समय से मैं और मेरी पत्नी मैरी, मैं कितने साल का हूं, 37 साल का हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, यह भी इन्होंने बता दिया, है ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेजर टाइम हॉर्निंग एंड सी फेसिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वॉटर्स। क्या सीखने को मिलता है आपको यहां से, आपको पता चलता है मैं जो 37 साल का एक बिजनेसमैन हूं और मेरी पत्नी, हम दोनों का एक सपना था, ड्रीम टॉफ क्या, हम दोनों का एक सपना था कि हम इस फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ने जो कर दिखाया था वो हम भी करके दिखाएं, और इसीलिए हम लोग पिछले 16 सालों से, कितने सालों से, पिछले 16 सालों से अपना जितना भी लेजर टाइम, जितना भी खाली समय उसका क्या यूज करते आ रहे हैं, उसमें हॉर्निंग कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करने के लिए भैया, सी फेसिंग टेक्निक, सी फेसिंग स्किल्स, हम लोग ब्रिटिश वाटर्स में जाते हैं, यानी कि ब्रिटिश वाटर्स यानी कि अब इंडियन ओशन, यानी कि इंडिया के नीचे का जो ओशन है, ब्रिटिश वाटर्स यानी कि जो ब्रिटेन के इधर उधर का जो सी है, जो उधर नदी नदी नाले नहीं बोल सकते, नाले में कोई क्या ही सीखेगा, मतलब उधर के जो समुद्र है वहां जाकर के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अपनी स्किल को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हमें दुनिया का चक्कर लगाना है तो हमें आना चाहिए कि अगर हम किसी खतरनाक सिचुएशन में पड़ जाए तो हम किस तरीके से वहां से निकल करके चले आए। अब आप आगे बढ़ोगे तो अवर बोट वेव वॉकर, इनकी बोट का नाम क्या है भैया, वेव वॉकर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बोट वेव वॉकर के बारे में बताइए, इनकी जो नाव थी, इनकी जो शिप थी वेव वॉकर, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये कितनी लंबी थी पहली बात, तो इसकी लंबाई कितनी है भैया, 23 मीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 23 मीटर। इसका वजन कितना है भाई साहब, इसका वजन है 30 टन। कितना वजन है, 30 टन, यहां पर दिया भी होगा, 30 टन इसका वजन है, 23 मीटर ये लंबी है, ये भी आपको जानना रहेगा, ठीक है ना, 30 टन और 23 मीटर ये दोनों दो बातें मैंने यहां पर डब्बे में रख दी। 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, वुडन हर्ल्ड यानी एकदम कठोर लकड़ी से बनी हुई, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, बहुत प्रोफेशनली बनाई गई है, वी हैड स्पेंट मंथ्स और हमने महीने इसमें गुजार दिए फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने इसको फिट किया है, हमने इसको बहुत ज्यादा रफ वेदर में जाकर के चलाने की कोशिश की है, ताकि जब हम खतरनाक पानी में उतरे, जब इंडियन सी आए, जब इंडियन ओशन आ जाए, तो वहां पर भी अपनी बोट जो है सर्वाइव कर पाए, इसीलिए जितना भी टफ वेदर हम पा सकते थे वहां जाकर के हमने इसकी टेस्टिंग की है। साथ ही साथ जो हमारा पहला लेग था, यानी कि जो पहला जो जर्नी का हमारा पहला फेज था, फर्स्ट लेग या फर्स्ट फेज की बात कर लो, तो फर्स्ट फेज जो था, जो प्लान किया गया था कि भैया 1,05,000 किलोमीटर का होगा, वो बड़े आराम से बीत गया, प्लेजेंटली बीत गया। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है बेटा, आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि इनका फर्स्ट फेज कैसे बीता, तो भैया प्लेजेंटली बीत गया था, आराम से बीत गया था। वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, हम लोग कहां तक आ चुके हैं भैया, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका ऑफ केप टाउन, यानी कि प्लाईमाउथ से चले थे, प्लाईमाउथ से नीचे आकर के कहां तक आ चुके हैं ये लोग, प्लाईमाउथ से चल के अभी आ चुके हैं केप टाउन तक। मैंने आपको थोड़ा सा मैप के सारे समझाने की कोशिश भी की थी, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और जब ईस्ट में जाना है, अब देखो यहां पर आ गया भैया अफ्रीका, अफ्रीका के लिए ईस्ट क्या है, इधर वाला एरिया, यहां पर अब जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, अब सीधे ऐसे तो जाएंगे नहीं, ऐसे ऊपर से होते हुए जाएंगे, यहां पर पड़ेगा क्या इनका,
यहां पर पड़ेगा इंडियन ओशन। तो भैया ईस्ट की तरफ जाने के लिए यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने के लिए वी टुक ऑन टू क्रू मैन, हमने दो क्रू मैन ले लिए जिनके नाम क्या है बेटा, एक अमेरिकन बंदा है जिसका नाम है लैरी विजिल, नाम याद रखेंगे लैरी विजिल, और दूसरा स्विट्जरलैंड का बंदा है जिसका नाम है हर्ब सीजलर, जिसका नाम है हर्ब सीजलर। और किस लिए ले भैया, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द सदर्न इंडियन ओशन। हमने इन दोनों को इसलिए हायर किया ताकि जो दुनिया का सबसे रफ सी है ना सदर्न इंडियन ओशन, हम उसमें क्या कर सकें, टैकल कर सकें जाकर के, और ये हमारी मदद कर सकें। बढ़ते हैं आगे। ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ द ऑफ केप टाउन वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। जब दूसरा ही दिन हुआ था, हम लोग निकले ही थे भैया ईस्ट की तरफ, और दूसरे ही दिन हम लोग स्ट्रॉन्ग गेल्स तेज हवाओं का सामना करने लगे। गेल्स का मतलब क्या है, तेज हवाएं, है ना, स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर तेज हवाओं का सामना करने लगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूअसली, यानी कि वो जो हवाएं थी एकदम लगातार बहती रही, लगातार चलती रही, है ना, गाना याद आया तुम्हें, चले जैसे हवाएं सनन सनन। अब यहां परिंदे तो है नहीं तो कैसे गाते, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन। कोई यह नहीं लिखेगा इंडियन आइडल में जाओ, क्योंकि इंडियन आइडल में गए थे, भगा दिए गए, मजाक कर रहे हैं। आगे देखते हैं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, है ना, जो गेल से तेज हवाएं वो मुझे परेशान नहीं कर रही है, बट लेकिन द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, जो साइज था ना वेव्स का, इतनी ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी, इतनी ऊंची ऊंची भैया पानी का जो वेव थी ना, पानी की जो लहर थी इतनी ऊंची थी, उससे मुझे डर लग रहा था, उससे मैं कॉशियस हो रहा था। अप टू 15 मीटर एज आई हैज अवर मेन मास्ट, इतनी ऊंची थी जितना अपना मेन मास्ट ऊंचा है। अब मेन मास्ट क्या होता है, किसी भी शिप का जो सबसे ऊंचा वाला डंडा होता है, इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मेन मास्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। वापस आ जाओ, तो इतना लंबा था, इतना ज्यादा ऊंचा था जितना हमारा मेन मास्ट ऊंचा है, ठीक है ना। ये जो वेव्स आ रही थी कितनी ऊंची थी, 15 मीटर ऊंची, और मेरा जो मेन मास्ट है वो भी कितना ऊंचा है भैया, वो भी 15 मीटर ऊंचा ही है, और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये वेव्स और ज्यादा ऊंची हो जाएगी, तब तो और समस्या बढ़ जाएगी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस वाले दिन हम लोग 3500 किलोमीटर जा चुके थे आगे ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी कि केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ हम लोग बढ़ चुके थे, डिस्पाइट एट्रोसिटीज यानी कि समस्याओं के बावजूद, वेदर इतना ज्यादा खराब था, वेदर इतना ज्यादा खराब हो चुका था, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। हमने भैया एक बहुत ही बढ़िया हॉलीडे मनाया और एक क्रिसमस ट्री भी हमारे साथ था, मतलब हमने क्रिसमस ट्री को सजाया क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, हमने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इंप्रूवमेंट, न्यू ईयर का दिन भी आ गया, 25 दिसंबर से एक तारीख आ गई लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, हवाएं तेज चल रही है, वेव सभी भी वैसे ही आ रही, वेदर अभी भी खराब है, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने सोचा ही जल्दी ही बदलेगा, और वो बदला, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन बर्बादी हो गई, मतलब और ज्यादा बदतर हो गया, अच्छा नहीं हुआ, बदतर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं शिप के बारे में, शिप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर में टिके रहना है, अगर आपको इस चैप्टर में अपने आप को ताकतवर दिखाना है दुनिया को, तो आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, ओवरव्यू, एक व्यू पॉइंट जानना पड़ेगा बोट के बारे में। आइए जानते हैं। मैंने आपको बता दिया मेन मास्ट क्या होता है, एक होता है बेटा मेन सेल, जिसको आप केवल सेल भी बोल दो तो भी आपकी बात बन जाएगी, ये वो पर्दा होता है ना, वो पर्दा होता है, गाना सुना बच्चे वाला, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, तो वही एक पर्दा है, ये सेल है जिसके माध्यम से बोट, अब देखो पर्दा ऐसे कर दोगे तो हवा इधर को चल रही, तो बोट को दिशा देने के लिए सेल का यूज होता है। मेन जिब क्या होती है बेटा, एक जिब होता है, जिब का काम यह होता है कि जिब, वो जीब नहीं जो तुम जीबी 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 करते हो, वो जिब नहीं, एक और पर्दा होता है उसको हम लोग जिब बोलते हैं, जब तेज हवाएं आती है तो कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए चीजों को जिब लगाया जाता है। अब देखो स्टर्न होता है बैक पार्ट, ये स्टर्न को क्या बोलते हैं बेटा, बैक पार्ट ऑफ द बोट इज नोन एज स्टर्न, एंड जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हम बो बोलते हैं या फिर AFT भी बोल देते हैं। जो नीचे का ये साइड का तुम पार्ट देख रहे हो, ये साइड का पार्ट देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हल, हल्क नहीं बाबा, हल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हल, वाला हल नहीं जो खेत में चलता है, इसको हल बोलते हैं। और एक होता है बेटा रिब स्ट्रक्चर, अभी आगे चल के देखोगे, अब ये लकड़ी का ही बना है अल्टीमेटली, तो लकड़ी के ऊपर फिर लकड़ी लगा, तो कभी नैनीताल गए हो, नहीं गए तो होकर के आना, वहां तुम्हें बोट्स मिलेंगी, तुम्हें पता चलेगा रिब स्ट्रक्चर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आओगे, एट डॉन ऑफ जनवरी 2, मतलब कि 2 जनवरी की शाम को क्या हुआ, द वेव्स वर जाइगेंटिक, मतलब वेव्स जो थी, मतलब जो वहां पे लहरें थी बहुत ऊंची ऊंची हो गई थी, वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, और हमारे पास एक छोटा सा स्टॉर्म जिब था, इसको आप स्टॉर्म जिब बोल रहे हैं, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और अभी भी हमारी जो रफ्तार थी हमारी बोट की 8 knots थी। अब जैसे कि कोई तेज गाड़ी चलाते क्या बोलते 70 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहा है, ये 8 knots वहां पर नॉट्स में देखा जाता है पानी में, ठीक है। एट द सिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। अब देखो बार बार हो क्या रहा था, जब बहुत सारी लहरें आ रही हैं, देखो इस तरीके से लहरें आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, ऐसे लहरें आ रही हैं, और जब जब
हम लोग किसी लहर के टॉप पर होते थे, जब हम किसी लहर के टॉप पर होते थे, किसी लहर के पहले कभी टॉप पर होते थे, कभी नीचे होते थे, कभी टॉप पर होते थे, तो जब भी हम लहर के टॉप पर होते थे, पहले यहां थे, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से ऐसे इधर जाएंगे, फिर यहां से ऐसे इधर जाएंगे, तो हमें एंडलेस सी दिखता था, रोल करके आता हुआ, जैसे सिलवटे मार के आ रहा हो, सांप नहीं होता ऐसे 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 ऐसे, तो अगर यहां पर होते तुम्हें ये वाला सिलवट दिख रहा है, फिर ये वाला सिलवट दिख रहा है, फिर यहां वाला ऐसे ये दिख रहा होगा, तो ऐसे इनको क्या दिख रहा है, एंडलेस सी इनकी तरफ आ रहा है, मुड़ता हुआ चला आ रहा है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आएगी ही यार भैया, पढ़ाई क्यों नहीं आएगी। एज द शिप रोज, जब रोज मतलब कि सबसे ऊपर वाले टॉप पर आता था, तो ईच वेव के साथ हम क्या देखते, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी, बहुत दूर दूर तक सी दिखते थे, रोलिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ ऐसे रोल करता हुआ आ रहा था ना, ऐसे रोल ठीक है, रोल करता हुआ आ रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, स्क्रीमिंग यानी कि बहुत चीख पुकार हो रही थी, मतलब विंड इतनी तेज थी ना, हवा इतनी तेज चल रही थी, आवाजें आ रही ची ची, ठीक है ना, चीची नहीं आ रही होगी, क्या मैं नहीं पता कैसी आ रही होगी। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल, और जो पानी का फवारा पड़ रहा था ना, बहुत तेज पड़ रहा था, वो दर्द कर रहा था, कानों में चुभ रहा था। टू स्लो द बोट, हमने बोट को स्लो करने के लिए क्या किया, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने ड्रॉप स्टॉर्म जिप को हटा लिया। एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग, मूरिंग यानी कि रस्सी से बांध दिया क्या, इन अ लूप, लूप मतलब कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बांधना शुरू कर दिया, अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न यानी कि जो हमारा पीछे वाला पार्ट होता है उसको हमने रस्सी से बांधना शुरू कर दिया, ताकि वो भारी हो जाए और स्पीड थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, हमने फिर क्या किया, दोबारा से रस्सी को डबल लैश कर दिया, थोड़ा सा और उसको मजबूत कर दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइंस, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स वेटेड, डोंट का मतलब वोर, हमने क्या कर लिया, अपनी ऑयल स्किन्स पहनी, ऑयल स्किन्स क्यों पहनी भैया, क्योंकि पानी में जो तेल होता है वो क्या करता है, ऊपर बना रहता है, ऑयल स्किन अगर पहनोगे तो अगर पानी में गिरे भी तुरंत नहीं डूबोगे जब तक ऑयल उसमें लगा हुआ है, ठीक है। हमने अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल की, जो हम लोगों ने सीख रखी थी, अपनी लाइफ जैकेट्स पहन ली और वेट करना शुरू कर दिया, अगर हम लोग पानी में जाते भी हैं तो पानी के ऊपर बने रहे, इसीलिए हमने क्या पहन लिया, लाइफ जैकेट्स पहन ली। आई थिंक एवरीथिंग अभी तक जो पढ़ाई वो क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इंपेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 पीएम, और जो पहला इंपेंडिंग डिजास्टर का मतलब क्या होता है, आने वाला कल, जाने वाला है नहीं, आने वाला जो खतरा था उसका जो संकेत था सबसे पहले आया शाम के 6 बजे, क्या खतरे का संकेत आया, एन ओमिनस साइलेंस, ओमिनस का मतलब होता है बिल्कुल खतरनाक सी साइलेंस, सब एकदम शांति हो गई है ना, गाना सुना है कौन सी मूवी का, मूवी का नाम है भैया, अरे याद आ जाए, याद आ जाए, याद आ जाए, मूवी का नाम नहीं आता, गाना है ऐसा, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, तो ऐसा ही कुछ शांति शांति हो गया है मामला। अब जब इतनी शांति हो जाती है डर बनना शुरू होता है। द विंड ड्रॉप, हवाएं चलना बंद कर चुकी है। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान एकदम से काला पड़ चुका है। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और एकदम से एक बढ़ती हुई रोर आई, यानी कि एकदम चीखती हुई आवाज आई। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा क्लाउड, एक बहुत बड़ा बादल क्या हो गया, आफ्ट यानी कि शिप के आगे की तरफ आकर खड़ा हो गया, ऐसा लग रहा था। बट डर के साथ मैंने महसूस किया कि वो कोई भैया क्लाउड नहीं है, बादल नहीं, बहुत ऊंची वेव है, बहुत ऊंची, क्या मेरी शिप अगर ये है तो ये बहुत ऊंची वेव है, और इतनी ऊंची वेव मैंने कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, एकदम सीधी खड़ी दिखाई दे रही थी, है ना, और लगभग दुगनी थी, अभी तक की जो वेव थी वो 15 मीटर की थी, मतलब हमारे मेन सेल के बराबर, अब ये दुगनी है बेटा, यानी कि अगर इनका शिप इतना बड़ा है तो वेव ये इतनी बड़ी है, ऊपर तक इनके यहां से गिर जाएगी आगे तो भैया पूरा का पूरा पानी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द रोर इंक्रीज्ड, है ना, आवाज एकदम बढ़ती चली गई, टू द थंडर, है ना, थंडर की तरीके। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कुछ समय के लिए मुझे लगा कि अगर इतनी तेज हवा चल रही है और हमारा शिप ऐसे ऐसे हो रहा है तो क्या पता धीरे से ये उसके ऊपर ऊपर से तैर करके निकल जाए, लेकिन हुआ क्या, बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, हुआ क्या, एकदम से धमाका हुआ, पानी एकदम से आकर गिरा, भाई जैसे एकदम से इधर उधर से शिप टूट गई, और टोरेंट का मतलब ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर घुसना शुरू कर चुका था मेरी शिप में, कैसा रंग था उसका, हरा दिख रहा था, सफेद दिख रहा था, पानी घुसना शुरू कर दिया, ब्रोक ओवर द शिप, हर तरफ से पानी आ गया, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा सर जाकर के भिड़ गया व्हील में जाकर के, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा था, सिंक कर रहा था वेव्स के नीचे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने एक्सेप्ट कर ली थी कि भैया मैं मरने वाला हूं। एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और धीरे धीरे जब मैं अपनी कॉन्शियसनेस को खो रहा था तो मैं शांत फील कर रहा था। अब क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली, है ना, माई हेड पॉप्ड आउट, एकदम से मेरा सर बाहर आया पानी के, अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूर बाद, कुछ दूर आगे, वेव वाटर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वेव वाटर जो था, मेरा जो वेव वॉकर था, मेरा जो शिप था, वो लगभग लगभग डूबने वाला था, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और इसका जो मास्ट है वो एकदम हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल मतलब अगर
हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा, अगर आपने मास्ट ऐसे था पहले, अब ये मास्ट जो था, मास्ट देखो सीधा सीधा होता है, वो हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि जो शिप है वो पूरा का पूरा पानी के पैरेलल होने वाला था, यानी कि पूरा पूरा डूबने वाला था, लेकिन अभी मास्ट पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा एंगल पर है। तो आगे आप देखोगे तो माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट है ना, और मेरी जो लाइफ लाइन थी, लाइफ लाइन जैकेट थी, वो थोड़ा सा फट चुकी थी। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं कैसे भी थोड़ा बहुत सेल वेल करके थोड़ा बहुत तैर तैर के पहुंच गया मेन बूम में, यानी कि जहां पर सब बच्चे बच्चे रहते हैं। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll, और जो लगातार waves आ रही थी उसने मुझे rag doll की तरीके, यानी एकदम फटी पुरानी doll की तरीके एकदम उछाल रखा था। My left ribs cracked, और मेरी जो left ribs हैं, मेरी जो क्या है left ribs हैं, वो crack हो गई थी, पूरी तरीके से टूट गई थी, चिटक गई थी। My mouth filled with water. filled with blood, sorry, है, और मेरा जो मुंह था पूरी तरीके से खून से भर गया था क्योंकि मेरे दांत टूट चुके थे। Somehow I found the wheel, कैसे भी करके मैंने वो चक्का पा लिया, इससे भैया हम लोग कंट्रोल करते हैं। Lined up the stern for the next wave and hung on, और मैं कुछ देर के लिए रुका रहा वहीं पर स्टर्न के पास, और मैं वहीं खड़ा रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी था, तभी एकदम से फ्रंट हैच खुला। फ्रंट हैच क्या बेटा, ये फ्रंट हैच जो खुलता है वो दिख रहा है तुमको, ऐसे करके फ्रंट हैच खुला, और वहां से कौन आई, मेरी पत्नी मैरी आई, और एकदम से चिल्लाने लगी, वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे, हम लोग डूब रहे। She screamed, the decks are smashed, we are full of water, और बोलो जो decks है ना वो पूरी तरीके से टूट फूट चुके हैं और हम लोग पानी भर रहा है बहुत तेजी से। Take the wheel, मैंने उससे चिल्लाकर बोला चलो जल्दी से आकर wheel लो। As I scrambled for the hatch, क्योंकि मुझे अब वापस जाकर के देखना था कहां पर टूटा फूटा है, उसको मैंने wheel पकड़ा दी और मैं इसी hatch के सहारे एकदम क्रॉल करता हुआ, यानी घिसटता हुआ चला गया देखने के लिए। Larry and Herb were pumping like madmen, और Larry और Herb ये जो दो क्रू मैन मैंने हायर किए थे, ये दोनों के दोनों पागलों के तरीके पानी बाहर निकालने में लगे पड़े थे पंप के माध्यम से। आगे देखेंगे तो broken timbers hung at crazy angles, जितनी भी लकड़ियां थी वो crazy angles में, कोई टेढ़ी हो गई है, कोई ऐसी हो गई है, crazy angles में एकदम टूटी फूटी इधर उधर दिखाई दे रही थी। The whole starboard side bulged inwards, अब देखो starboard side क्या होता है बेटा, starboard side यहां पर आकर समझ लो, एक साइड होता है जो जब शिप खड़ी होती है ना बंदरगाह पे जाके, तो जो साइड उसका पोर्ट की तरफ खड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पोर्ट साइड, और एक होता है जो पानी की तरफ खड़ा होता है उसको हम बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड। तो वही जो स्टारबोर्ड साइड था वो अंदर की तरफ क्या हो गया था, बल्ज हो गया था। अब ये बोतल है मेरी, अगर इसको मैं ऐसे करके पिचका दूं, वैसे पिचकेगी नहीं लोहे की है, अगर प्लास्टिक की हो तो ऐसे करके अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, बल्ज इनवर्ट्स हो जाएगी, यानी कि अंदर की तरफ पिचक जाएगी। क्लोथ है ना, कपड़े जितना भी सामान था इधर उधर पानी में फैल चुका था। आगे देखेंगे, आई हाफ स्वैम, थोड़ा बहुत मैंने स्विम करके थोड़ा बहुत क्रॉल यानी कि घिसट घिसट के मैं पहुंचा बच्चों के कैबिन तक। मैंने उनसे पूछा तुम लोग कैसे हो, तो उन लोगों ने बोला हम लोग ठीक है, बस सुजैन ने मुझको बताया, यहीं पर लिखा हुआ है, कुछ कठिन शब्द नहीं इसलिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। उसने बताया कि हाँ मेरे सर के पास थोड़ा सा सूज गया और उसकी आंखें एकदम निकली आ रही थी, एकदम बंप पड़ गया उसके, ठीक है ना। आगे देखते हैं, उसने देखा स्टारबोर्ड साइड जो था पूरी तरीके से फट चुका था, तो उसको पता था अगर उसने कोई रिपेयर नहीं किया तो ये लोग पक्का डूब जाएंगे, पक्का सिंक कर जाएंगे। आगे सम हाउ किसी कुछ भी करके मैंने क्या किया, कैनवास मेरे पास रखा हुआ था, एक बड़ा सा मतलब एक पैच टाइप का था, बड़ा सा एक क्या बोलते कागज तरीके नहीं होता, थोड़ा सा प्लास्टिक का होता है कैनवास है ना, वो जाकर के मैंने चिपका दिया। और वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जहां पर से पानी आ रहा था मैंने वहां पर जाकर लगा दिया। एंड सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, हालांकि कुछ पानी अभी भी आ रहा था बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अभी भी बहुत सारा पानी था जो बाहर निकल गया और जो अंदर आ रहा था पानी अब वो रुक चुका था, बहुत कम पानी अंदर आ पा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, और सारी दिक्कतें होगी क्योंकि जो हमारे पंप्स थे वो काम करना बंद कर चुके थे, वहां पर बहुत सारी डेब्रिस पड़ी थी। डेब्री का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा लिखा है ना, ब्लॉक अप विद द डेब्री, डेब्रीस नहीं पड़ेंगे डेब्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे डेब्री, डेब्री यानी जो कचरा था जो इधर उधर का सामान था वो सब उसके अंदर जाकर के क्या हो गया बेटा, जैम कर दिया, इसको काम करना बंद कर गए। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, थ्रेटनिंगली क्या लिखा है बे, थ्रेटनिंगली सॉरी थ्रेटनिंगली, ठीक है ना, थ्रेटनिंगली, तो जो पानी का लेवल था बहुत तेज बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, और मुझे पता चला कि दोनों के दोनों जो मेरे पास पंप थे वो काम करना बंद कर चुके हैं। अलॉन्ग विद द फोर्थ से सेल द जिब द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और ये सारी सारी चीजें क्या हो गई, खराब हो गई जाकर के। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है। एंड द चार्ट रूम फ्लोर है ना, चार्ट रूम फ्लोर में जाकर के मैंने क्या किया, उसको एक दूसरे पाइप से कनेक्ट कर दिया और भगवान की दया से वो काम करना शुरू कर गया। द नाइट, वो पूरी की पूरी रात बुरी तरीके से बीती कैसे, दैट वॉज बिटरली कोल्ड रूटीन, हम सभी के सभी क्या कर रहे थे, सभी के सभी पंपिंग कर रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे लाइन बाय लाइन है ना, स्टीयरिंग संभाल रहे थे और क्या कर रहे थे, वर्किंग द रेडियो, रेडियो पर क्या कर रहे थे, मेडे कॉल्स दे रहे थे, मेडे कॉल्स का लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में थे। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मेडे कॉल्स क्या होती है और उनको रिप्लाई क्यों नहीं मिल रहा, तो मेडे कॉल्स बेटा वो कॉल्स होती है जब आप इमरजेंसी में होते हो, तो आप चाहे आप एयरप्लेन में हो, चाहे आप क्या बोलते शिप में हो, तो आप मेडे 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 चिल्लाते हो और आपका जो कोई भी आसपास का कोई रेडियो स्टेशन होगा, कोई शिप निकल रही होगी, कोई हवाई जहाज निकल रहा होगा, तो वो आपकी मेडे कॉल्स को सुनकर आपको रिप्लाई देगा और आपकी जान बचाने के लिए पहुंच जाएगा, लेकिन इनकी कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था क्योंकि ये लोग बहुत ही रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में फंसे हुए थे। आगे देखते हैं,
सुजैन हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, और जो सुजैन का जो सर था वो बुरी तरीके से क्या हो गया था भैया, बुरी तरीके से सूज गया था। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी जो दोनों आंखें थी एकदम काली काली पड़ गई थी, और शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके हाथ पे एक बहुत तेज कट लग गया था किसी चीज से, उसका हाथ कट गया था। आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, और मैंने उससे पूछा, उसने बताया क्यों नहीं, तो उसने ये बोला कि आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने का ट्राई कर रहे थे। ये 7 साल की बच्ची है सुजैन, और इतनी ज्यादा समझदारी की बात कर रही है। आगे देखो, By morning on the January 3, the pumps had water level sufficiently under control. अब 3 जनवरी की सुबह तक हम लोगों ने इतना पानी बाहर कर दिया था कि पानी का लेवल काफी कम हो गया था हमारी शिप पर, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line and the checking I found that the nearly all the boat's main rib frame were smashed down to the keel. अब देखो, अब इनको पता चला कि इनका जितना भी पानी है ना अभी भी आ रहा है स्टारबोर्ड साइड से, क्योंकि जो इनका रिब है, रिब इसी को बोलते हैं, रिब क्या बोलते हैं अपनी, रिब क्या है, ये जो हड्डियां होती हैं यहां की बोलते हैं रिब्स, टूट गई हैं यहां पे, आपने देख तो जंजाल टाइप का होता है हड्डियों का, तो वैसे ही ये रिब्स है किसकी, ये रिब्स है आपके बोट की, और ये जो बोट की रिप्स हैं ये बुरी तरीके से क्या हो गई, टूट फूट गई हैं, इसीलिए पानी अभी भी अंदर आ रहा है। कील मतलब कि जो नीचे वाला साइड होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कील, ठीक है ना। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ स्टार बोर्ड हल एक्सपेक्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस, कुछ कवर्ड पार्टीशंस थे, जैसे कि ये पार्टीशन हो गया, जैसे कि ये पार्टीशन हो गया, ऐसे ही पार्टीशन थे जो होल्ड किए थे, वरना सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। इसके लिए हम ज्यादा उस पर वो नहीं डाल सकते थे, क्या बोलते हैं कि ज्यादा उस पर हम प्रेशर नहीं डाल सकते थे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स, हम लोग 15 घंटों से अभी तक सर्वाइव कर चुके थे, द वेव हिट, जब से वेव ने हमें हिट किया था, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर, लेकिन जो वेव वॉकर हमारा है वो बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, और हम लोग जान गए थे कि हम ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंचने वाले, इसलिए मैंने चेक किया अपने चार्ट्स को, जितने भी मैप्स वाले थे, फिर मैंने देखा कि कुछ किलोमीटर ईस्ट में क्या मिल जाएगा हमको, आइल एम्स्टर्डम नाम का एक आइलैंड मिलेगा, कितने किलोमीटर का भैया, 65 किलोमीटर का एक आइलैंड है, अगर हम यहां पहुंच जाते हैं तो हमारी जान बच जाएगी। ये क्या एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, आवर ओनली होप वाज टू रीच दीस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, दीस पिन प्रिक्स का मतलब क्या है, कुछ ऐसा था कि इतने बड़े ओशियन में एक सुई की समझ लो सुई की नोक के बराबर जगह को ढूंढने के बराबर था, बट अनलेस द विंड एंड सी इज अबेटेड, लेकिन इससे पहले कि जो विंड, ये जो हवा चल रही है और जो सी की बहुत तेज वेव सारी अबेट हो यानी कि शांत हो, सो वी कुड होस्ट सेल, ताकि हम क्या कर सके, सेल लगा सके यानी कि वाला पर्दा लगा सके और आगे बढ़ सके, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे चांसेस बहुत कम हो गए वहां पर पहुंचने में, क्योंकि हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था वो भी काम करना बंद चुका है, ऑक्सिलरी यानी कि जो हेल्पिंग इंजन था इनका वो भी काम करना क्या कर चुका है, बंद कर चुका है पूरी तरीके से। जनवरी 4 को क्या हुआ भैया, 36 आवर हो गए थे कंटिन्यूड पंपिंग करते हुए, वी रीच द फ्यू सेंटीमीटर्स है ना ऑफ वाटर है ना, और हमने लगभग कुछ सेंटीमीटर्स पानी बचा हमारी शिप पे, बाकी सारा पानी बाहर निकाल दिया है। आगे आप देखोगे, नाउ वी हैड ओनली अ कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, और अभी भी था पानी अंदर आ ही रहा था लगातार, वी शुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हमें कोई भी मेन मास्ट पर क्या नहीं करना था भैया, वी कुड नॉट सेट एनी सेल है ना, अभी भी हम मेन मास्ट पर कोई सेल नहीं लगा सकते थे, क्योंकि समस्या थी प्रेशर ऑन द रिगिंग, रिगिंग पर क्या था भैया, रिगिंग यानी कि यही जो पूरा का पूरा पार्ट था ना, ये इस पर अभी भी प्रेशर आ सकता था, ठीक है, सॉरी रिगिंग क्या है बेटा, रिगिंग उसको बोलते हैं जो इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं ना खूब सारी लकड़ियों के, अगर ये लोग इस पर लगाएंगे पर्दा और हवा तेज चल रही है, हवा तेज चलने के कारण इस पर प्रेशर पड़ेगा और ये टूट जाएगा, इसीलिए लोग अभी पर्दा भी नहीं लगा पा रहे थे यानी कि सेल नहीं लगा पा रहे थे, इसीलिए वो खराब हो सकता है, इसलिए सेल नहीं लगाया। आगे, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए इन लोगों ने क्या लगाया, स्टॉर्म जिब लगाया, मैनी फाउंड सम है ना, तभी मेरी पत्नी क्या लेकर के आ गई, कुछ भैया कॉर्न बीफ लेकर के आ गई, हमने उसको खाया, साथ ही साथ कुछ क्रैकर बिस्कुट खाए, एंड वी एट अवर फर्स्ट मील, और हमने अपना पहला मील कब खाया, फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, 2 दिनों में पहली बार हमने खाना खाया था, बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो हमारी रेस्पाइट थी ना हमारे अंदर अब ज्यादा ताकत बची नहीं थी, एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन, रेस्पाइट का मतलब जो राहत के पल थे वो ज्यादा लंबे नहीं थे, एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप अगेन, 4 बजे क्या हुआ, वो जो काले बादल थे फिर से बनने शुरू हो गए, विद इन द आवर 1 घंटे के अंदर भैया हवा फिर से 40 नॉट्स की हो गई यानी कि बहुत तेज चलने लग गई, वॉज गेटिंग हायर, और फिर से जो सी था यानी कि जो समुद्र था बहुत ऊंचा होने लगा था, वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट, जो वेदर था फिर से खराब होता चला जा रहा था, पूरी रात हम लोगों ने बहुत बुरी तरीके से बिता रही। जनवरी 5 को क्या हुआ, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी सिचुएशन फिर से खराब हो चली थी, वेन आई वेंट टू इन कंफर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों के कमरे में गया तो जॉन ने मुझसे क्या पूछा, जॉन मेरा 6 साल का बच्चा हमसे पूछता है पापा कि हम लोग मरने वाले हैं, तो मैंने उससे बोला नहीं हम लोग मरने नहीं वाले, तो अब ये जॉन नहीं बोला था क्या, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी ऑल आर टुगेदर, किसने बोला था, ये छोटे से बच्चे ने बोला था 6 साल के, कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सभी साथ हो, समझ गए, यू मम्मी सुजैन एंड आई, यानी कि इस चैप्टर का जो थीम है ना, इस चैप्टर का जो भैया टाइटल है वो किसने दिया, एक तरीके से 6 साल के बच्चे ने दिया है। आगे देखते हैं, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विच टू रिस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, हमने भैया चिल्ड्रन कैबिन को छोड़ दिया मैंने, और मेरे पास कोई शब्द ही नहीं था यार, क्या ही रिप्लाई करूं, 6 साल के बच्चा है और इतनी बड़ी बात बोल रहा है, मैं क्या ही बोलता उससे, मैं उस जगह को छोड़कर क्या करूं, पूरी ताकत झोंक दी कैसे इन सभी की जान बचा लूं, ठीक है ना। आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द अपकमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्पॉवरिश सी एंकर ऑफ सी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और मैंने क्या किया भैया 22 लीटर की दो
बाल्टियों में पैराफिन भर दिया और किसी तरीके से उसको क्या बना दिया, एक एंकर की तरीके यूज कर लिया, ताकि हम बहुत तेजी से आगे ना बढ़ जाए, है ना, ताकि हमको आगे बढ़ने में क्या मिले भैया, मदद मिले। अब आगे से आगे डाल देंगे तो आगे बढ़ने में हमको क्या मिलेगी, मदद मिल जाएगी। चलो, देन एवरीथिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर। फिर भैया क्या हुआ, इवनिंग में शाम को हम मैरी और हम साथ में जाकर के बैठ गए और हमें लगी रहा था भैया क्या हमारा अंत साथ है, तो हम लोग हाथ पकड़े बैठे थे। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, है ना, हम लोगों को लग रहा था कि भैया एंड अब आने वाला है हमारा बहुत जल्दी। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जो वेव वॉकर था उसने पूरी तरीके से स्टॉर्म को झेल लिया। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, है ना, जनवरी 6 की मॉर्निंग में विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन सेक्सटेंट। फिर मैं क्या किया भैया, सेक्सटेंट पर मैंने जाकर के रीडिंग देखी बैक इन द चार्ट बोर्ड। कहां पर जाकर के चार्ट बोर्ड में, सेक्सटेंट क्या होता है बेटा, सेक्सटेंट एक इक्विपमेंट होता है जिसके माध्यम से आप ये चेक करते हो कि आप, सेक्सटेंट क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसके माध्यम से आप चेक करते हो कि भैया आप कितनी दूर पर हो किसी जगह से। आपको अगर किसी जगह पर जाना है तो आपको अगर सी में हो आप तो सेक्सटेंट के माध्यम से ये चेक करना पड़ता है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने सब चीज ऊपर काम किया, विंड स्पीड क्या भैया, चेंज क्या हो रहा है ना, हाँ ड्रिफ्ट क्या है, करंट किस तरीके से, पानी का भाव, ये सब कैलकुलेट करने के बाद मैंने क्या पता किया कि द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, मुझे ये पता चला कि भैया 150,000 किलोमीटर के बीच में कोई 65 किलोमीटर का आइलैंड है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, यानी कितनी छोटी चीज है और कितनी बड़ी जगह में, और वहां जाना कठिन था। व्हाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं सोच ही रहा था तभी सुजैन आई हमारे पास, मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी सॉलिड। और जब सुजैन हमारे पास आई तो उसका जो लेफ्ट साइड ऑफ हेड था पूरी तरीके से सूज चुका था, और तब भी वो हमारे लिए क्या लेकर के आई थी भैया, उसकी आंखें बहुत छोटी हो चुकी थी और हमारे लिए कुछ बना करके लाई थी एक कार्डबोर्ड पर, उसने क्या लिखा था, ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉट कैरिकेचर, उसने कार्टून बनाया था और उसमें लिखा हुआ था हियर आर सम फनी पीपल, यहां पर कुछ हास्य लोग हैं, हास्यप्रद लोग हैं, जिसको देख क्या आपको इनको देखकर हंसी आई, ये देखने के बाद बहुत तेजी से हंसने लगा, और उसके अंदर एक मैसेज भी था, लिखा था ओ हाय आई लव यू बोथ, मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूं, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड दैट्स होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट। और उसने क्या लिखा था, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए हमें, और कुछ भी करके हम लोग इससे बच जाएंगे। ये 7 साल की बच्ची, यानी कि इन लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार बहुत तगड़े दिए थे। 6 साल की बच्ची, 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा और 6-7 साल की बच्ची, दोनों में देखो साहस कितना ज्यादा है। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अडल्ट्स और चिल्ड्रन के बीच में क्या अंतर है, इन दोनों का जो एक्सपीरियंस था इस समस्या के सामने कैसा था, दोनों ही बेटा ब्रेव थे तो अंतर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फिर मैंने चेक किया और रीचेक किया कई बार मेरे कैलकुलेशंस को, वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, हालांकि हमारा मेन कंपास खो गया तो मैंने एक दूसरा कंपास को यूज किया, और मैंने ये पता लगाया भैया कि अगर हम लोग किसी भी तरीके से 185 डिग्री पर अपने बोट को घुमा देते हैं, है ना, 185 डिग्री पर अगर घुमा देते हैं तो भैया लगभग 5 से 6 बजे के आसपास हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एल एम्स्टर्डम। और मैंने बोल दिया किसको, लैरी को, एट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया, लैरी को बोला कि भैया स्टीयरिंग को 185 डिग्री पर घुमा दो, और अगर हम लोग लकी हुए तो आई टोल्ड, मैंने कहा अगर हम लोग लकी हुए विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, हालांकि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं, तो मैंने बोला कि अगर हम लोग लकी हुए 185 डिग्री पर करने के बाद अपने को, है ना, 185 डिग्री पर ऐसे कर लो, अगर हम लोग लकी हुए तो हम लोग पक्का पहुंच जाएंगे 5 बजे तक एल एम्स्टर्डम, ठीक है ना। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो टू क्लाइम ऑन माय बंक, और ये बताने के बाद कि भैया 5 बजे एल एम्स्टर्डम मिल जाएगा, उसके बाद आई वेंट बिलो, अच्छा कहां बिलो, उसके बाद आई वेंट बिलो क्लाइम ऑन माई बंक, उसके बाद मैं जाकर के लेट गया अमेजिंगली और मुझे नींद भी आ गई। आई वोक अप इट वॉज 6 PM और जब मैं उठा तो 6 बज रहा था एंड ग्रोइंग डार्क, है ना, और अंधेरा हो रहा था और मुझे पता चल गया था कि भैया हम लोगों ने मिस कर दिया आइलैंड को, यानी कि हम लोग आइलैंड से आगे निकल गए होंगे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जितना हमारे पास सब इक्विपमेंट बचा है भैया, वी कुडंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्नली विंड्स, है ना, हम लोग वेस्टर्नली विंड के अगेंस्ट जाकर के पीछे नहीं जा सकते। एट दैट मोमेंट अ टूजल्ड हेयर हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, टूजल्ड हेड यानी कि टूजल्ड, देखो ऐसा जिसके बाल ऐसे रफल्ड होते हैं उसको बोलते हैं टूजल्ड। तब मैंने देखा कि भैया टूजल्ड हेड दिखा किसका था, जॉन का था, और वो कहता है कैन आई हैव अ हग, क्या मैं गले लग सकता हूं, जोनाथन कहता है, एंड सुजैन भी उसी के पीछे खड़ी हुई थी। Why I'm getting a hug now? मैंने पूछा आखिरकार मैं हग क्यों पा रहा हूं? I asked because you are the best. और बच्चा बोलता है मुझसे, John, because you are the best daddy in the whole world and the best captain. My son replied. मेरे बच्चे ने उससे क्या बोला? क्योंकि आप इस दुनिया के best daddy हो. Not today, John. I'm afraid. मैं डरता हूँ यार, John. आज शायद हम लोग, आज मैं best daddy नहीं हूँ. Why? You must be, said Sue in a matter of fact voice. और उसने एकदम जताते हुए बोला, अरे क्यों नहीं? आपको बिल्कुल सोचना चाहिए कि आप best captain और best father हो. ऐसा क्यों था? You found island, क्योंकि आपने आइलैंड पा लिया है. What? मैं एकदम चिल्ला के बोला, What? मैं एकदम चिल्ला के बोला, It's out there in front, ये हमारे सामने है. सभी के सभी एक साथ बोले, As big as a battleship, जैसे battleship नहीं बोलते, Yes, हम सब कर सकते हैं, उस तरीके से सब चिल्ला करके बोले. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline the Isle of Amsterdam. Stark outline यानी कि मुझे outline इसकी दिखना शुरू हो गई थी कि यार ये तो मैं आ गया हूँ Isle of Amsterdam पर. Right? It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. उस समय मुझे ये सबसे दुनिया का beautiful island लग रहा था, क्योंकि यहीं पर मेरी और मेरे बच्चों की जान बचने वाली थी. We anchored offshore. Offshore यानी कि हम लोगों ने क्या किया भैया, तट पर हम लोगों ने भैया एंकर कर दिया, यानी कि रोक दिया, इस तरीके से आप देख भी सकते हो.
फॉर द नाइट और नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ आइलैंड चीयर्ड अस. जो भी 28 लोग थे वो सब आए और हमें वहां से लेके चले गए जहां पर वो रहते थे, है ना. चीयर्ड यानी कि वो सब बढ़िया कि आप लोग बच गए ये वो करके. विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और जब मेरे पैरों के नीचे जमीन आई, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी. मेरे दिमाग को कौन आने का था? लैरी आने लगा था, हर्बी आने लगा था, जो मेरे कौन थे, जो मेरे क्या बोलते क्रूमैन थे. चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो कि तब भी चीयरफुल बने थे, तब भी वो लोग ऑप्टिमिस्टिक थे कि हम लोग बच जाएंगे इतने सारे स्ट्रेस के बावजूद. एंड ऑफ मैरी, मुझे मैरी का ख्याल आया, हु स्टेड एट द व्हील, जो व्हील पर बनी रही, फॉर दोज क्रूशियल आवर्स, है ना, उन घंटों में भी. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 ईयर ओल्ड, है ना, उन सबके बीच मुझे 7 साल की उस बच्ची का ख्याल आया. हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, जो नहीं चाहती थी कि हम उनकी उसकी चिंता करें जहां सबकी जान बचा रहे. फिर मुझे याद आया अपने 6 साल के बच्चे का, है ना, टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट. अरे सॉरी, उस बच्ची का 7 साल की जिसका भैया ब्लड क्लॉट हो गया था, और फिर उसके लिए कितने ऑपरेशन लगे थे, है ना, 6 माइनर, छोटे छोटे 6 माइनर ऑपरेशन लगे थे उसके ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए. एंड ऑफ अ 6 ईयर बॉय, और उस 6 साल के बच्चे के, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसे मरने से भी डर नहीं लगता. ये सब मुझे उस समय याद आया. यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है. हम लोग बढ़ चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर और देखते हैं हम लोग इससे क्या सीखने वाले. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, इसलिए 10 क्वेश्चन है यहां पर. 10 भी बहुत होते हैं बेटा, 10 भी नहीं करवा रहे लोग, पर अपन अपने को अपने से मतलब है यार, ठीक है, चलो देखते हैं. चलो अच्छा, इसी बीच में ये भी बता दूं, अगर तुम लोग क्लास 11th में हो और अभी क्लास 12th में पहुंचोगे, तो अगर तुम लोग चाहते हो कि साइंस बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो, तो तुम लोग जा सकते हो अड्डा 24/7 की ऐप पर, और वहां पर तुम्हें जो भी कोर्स परचेस करना है, क्योंकि बेटा यहां पर बिल्कुल एकदम घाघ फैकल्टीज है, जो मतलब मक्खन से मक्खन पढ़ाती है, और जो पढ़ाती है वही पेपर में आता है. जितनी फैकल्टीज जो पढ़ाती है वही पेपर में आता है. तुम यूज कर सकते हो कोड S743 ताकि तुम पेपर में जाकर के दुर्राटे काट सको, ठीक है ना. और इससे तुम्हारा काफी डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तुमको 17-20% डिस्काउंट. अगर कोई त्यौहार है तो 25-30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. चलिए आगे बढ़ते. क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द राइटर्स अंडरटेकिंग द जर्नी. अब मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, बाकी आपके सामने आंसर है. आपको पीडीएफ मिल जाएगी कॉमर्स अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर, ह्यूमैनिटीज अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर, और कहां पर मिल जाएगी भैया, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर. अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, मुझे ईमेल कर सकते हो aditya.tiwari@adda247.com, ठीक है, @adda247.com इस पर, ठीक है. आगे बढ़ जाए. अब देखो, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट, भैया इन लोगों का क्या था ऑब्जेक्ट, है ना, इतनी बड़ी जर्नी करने का, क्योंकि ये लोग राउंड द वॉयज करना चाहते थे, जो 200 साल पहले जेम्स कुक ने किया था उसी चीज को दोबारा करना चाहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बोट, बोट के बारे में बताओ, कितनी भारी थी, कितनी लंबी थी, है ना, अंडरटेकिंग द वॉयज. तो द नेम ऑफ द बोट, पहले नाम बता दो भैया, नेम क्या था उसका, उसका नाम क्या था, नेम ऑफ द बोट विच वॉज मेड, वो थी भैया वेव वॉकर. अब आगे देखते हो, 23 मीटर लंबी थी, 30 टन भारी थी, ये सारी चीजें उसके बारे में बता दोगे, 3 में से 3 आपको आराम से मिल जाएंगे. व्हाट आर मेडिकॉल्स, मेडिकॉल्स मैंने आपको तभी बता दिया था, और उनको रिप्लाई क्यों नहीं मिल रहे थे ये भी बताया था आपको मैंने, अभी चैप्टर पढ़ाते समय उनको रिप्लाई इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि दे वर इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द सी, राइट. क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, व्हाट डिड सुजैन से व्हेन शी वाज आस्क्ड बाय हर फादर व्हाई शी हैड नॉट कंप्लेंड मच अबाउट हर ग्रेव इंजरीज एट द फर्स्ट इंस्टेंस. जब उसे पूछा गया कि उसको ने आखिरकार क्यों नहीं बताया उसको इतना दर्द हो रहा है, तो उसने बताया मैंने ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आप लोगों को तंग नहीं करना चाहती थी, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और आप लोग जब हम सभी को बचाने में लगे थे तो मैं अपनी छोटे से दर्द को अपने आपके पास नहीं लाना चाहती थी. ये थी उसकी समझदारी उस छोटी सी बच्ची की. 5th क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड टू 6 पीएम ऑफ 2nd ऑफ जनवरी, क्या हुआ था. तो 6 पीएम ऑफ 2nd जनवरी द सी बिकेम साइलेंट, एकदम शांत हो गया, हवाएं रुक चुकी थी, द स्काई ग्रू इमीडिएटली डार्क, आसमान काला पड़ गया. आफ्टर दैट अ वेरी ह्यूज वेव व्हिच वाज डबल, और उसके बाद बहुत ही ऊंची वेव दिखाई दी जो लगभग दुगनी थी बाकी सभी वेव्स की, स्ट्रक द शिप, उसने शिप को आकर के मार दिया बहुत पूरी ताकत लगा करके. 6th क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डैमेज. आपने क्या रिएक्शन देखा एडल्ट्स और चिल्ड्रन का, दोनों नहीं बेटा साहस के साथ काम निभाया, कोई भी डरा नहीं, ये सभी के सभी साहसी थे और हिम्मत से लड़े, ये दोनों के बीच में कॉमन था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था इनमें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म, भैया अगर आप आशावादी रहोगे तो एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस, तो आप कितने भी खतरनाक चीजों को झेल सकते हो, ठीक है ना. Narrator, his wife, 2 children set out a journey. उन्होंने जर्नी को शुरू किया. During the journey, they faced many problems like rough sea देखा उन्होंने, है ना, rough weather देखना पड़ा उनको, है ना, water उनके flood, water flood हो गया, खूब सारा पानी आकर के भर गया, उसके बाद भी injuries भी पड़ी, लेकिन ऐसी भी situation में उन लोगों ने हार नहीं मानी और इसीलिए वो लोग अपनी जान बचा सके. इसका मतलब है कि हम लोगों को भी optimist होना चाहिए, कभी paper नहीं निकला, कभी number कम आए, इससे निराश नहीं हो जाना, उससे सीख लेनी है, चलो आगे अच्छा हो जाएगा अगर मेहनत करेंगे, सही दिशा में चलेंगे. तो next question is here, question number 8, what lessons do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death, है ना, क्या lesson हम सीख पाते हैं when we learn such hazardous experiences when we are face to face with death, जब हम एकदम मृत्यु के सामने आते हैं तब. तो when we are face to face with death we have to calm, हमें तब शांत होना पड़ता है, we have to think that we what can we do, कि हम क्या कर सकते हैं, what did not, है ना, we did not have to panic in such situations, है ना, ऐसी situations में हमें panic नहीं करना होता, ऐसा लग रहा है हम panic कर रहे हैं जल्दी जल्दी जल्दी.
जल्दी इसलिए करना पड़ता है ना क्योंकि जो वन शॉट होते हैं बहुत लेंदी हो जाते हैं, फिर तुम लोगों के लिए दिक्कत होती है, तुम लोग उसको 2x पे सुनते हो, मैं नहीं चाहता तुम 2x पे सुनो, मैं खुद 2x हो जाऊंगा। आगे वी हैव टू डू ऑल द पॉसिबल थिंग्स दैट वी कैन डू इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर, वी हैव टू बी यूनाइट, ठीक है ना। आप अगर एक साथ मिलकर के काम करोगे तो काम सरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपेडिशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड। आपको क्या लगता है कि लोग ऐसे एक्सपेडिशन पर क्यों जाते हैं, ऐसे खतरनाक सफरों पर क्यों जाते हैं जबकि उनको पता होता है कि रिस्क है? कई कारण है, उनको एंजॉयमेंट मिलता है इसलिए जाते हैं, वो चाहते हैं क्योंकि कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं कि उनको दिक्कत नहीं है, कुछ लोग भैया इसलिए जाते हैं क्योंकि वो फेमस होना चाहते हैं, और कुछ लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि नेचर है उनका ऐसा करने का, है ना, उनको ऐसे करने में मजा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ रफ वेदर, खराब वेदर का पहला इंडिकेटर क्या था? ऑन देयर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे एनकाउंटर्ड स्ट्रांग विंड्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, है ना, अगले कुछ वीक्स तक वो क्या करते रहे भैया, इनकाउंटर करते रहे बहुत तेज वेव्स को, द गेल्स ब्लू कंटिन्यूअसली, और गेल्स यानी कि तेज हवाएं लगातार चल रही थी। डिड नॉट वरी द नरेटर, है ना, नरेटर से परेशान नहीं हुआ, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज डिस्टर्बिंग, लेकिन जो साइज था ना वेव्स का वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था जिससे वो लोग परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो यहां पर आपके सेशन हो जाता खत्म, कोई समस्या परेशानी। अच्छा 11 नंबर 12 नंबर ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, सिंपल है ना। हाउ डिड दे पास द फर्स्ट लेग, प्लेजेंटली पास कर लिया था, लैरी और हर्ब कौन थे भैया, उन्होंने क्या रोल किया, मदद की थी बहुत सारी, ठीक है ना। और जिन लोगों ने चैनल पर पहली बार आए वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और घंटी बजा लेना और लाइक शेयर जरूर करना। इन सबसे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भैया, जो मैं मांगता हूं सभी बच्चों से बोलता हूं भैया बार बार, कि भैया कॉमेंट जरूर करना। क्या करना? कॉमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तुमको सेशन कैसा लगा, मजा आई नहीं आई, और कोई समस्या परेशानी है तुमको मैंने अपनी ईमेल आईडी बता दी है, aditya.tiwari@adda247.com। मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, और सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे नोटिफिकेशन तुमको मिलते रहे। बाय बाय, मेहनत करते रहो, माता पिता की इज्जत करो, और एट लास्ट आस्था रखो अच्छा होगा।